हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया, आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 12th का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का वीडियो नंबर 13। तो बेटे ये क्लास 12th का केमिस्ट्री का एमसीक्यूज का 13वां वीडियो है, और इससे पहले 12 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप हर एक यूनिट के एमसीक्यूज को पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, जो बोर्ड एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा, और आप टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर, जहां पर आपको हर एक यूनिट के पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे विदाउट एनी कॉस्ट। और आपको पता है कि हमारा 12th क्लास का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है 28 नवंबर को, तो आप हर एक यूनिट को पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, और अपने पीडीएफ नोट्स भी अपने लिए डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है बेटे, तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें पढ़ना है हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि हम केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही यहाँ डिस्कस करेंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें ही डिस्कस किया जाएगा। और आपको एक बात यह ध्यान रखनी है कि आप जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में अपने आंसर लिखोगे कि आपके हिसाब से सही आंसर क्या है, और फिर अपने आंसर को मेरे आंसर से मैच करोगे। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है और वेरी गुड इवनिंग। और आपके तैयारी में मैं अपने तरफ से प्रयास कर रहा हूं कि आपकी तैयारी में अधिकतम हेल्प कर सकूं, और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो बहुत कम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप देखते हैं कि आपके कितने उत्तर सही आते हैं। लास्ट में आप मुझे जरूर बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही हुए हैं, कमेंट बॉक्स में आप बता देंगे। अभी आप यूज करो चैट बॉक्स का। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। देखो जरा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन में दिया है अभिक्रिया CH3 CH CH2 CH3 CH के नीचे जुड़ा हुआ है Br इज इक्वल टू, इसके ऊपर रिएक्शन कराई है एल्कोहलिक KOH की, का मुख्य उत्पाद है। इसका मुख्य उत्पाद क्या होगा, मेन प्रोडक्ट क्या होगा? ऑप्शन ए प्रोपीन, ब्यूटीन, ब्यूटेन और ब्यूटाइन 1। पहला क्वेश्चन है, बताओ आपके हिसाब से क्या होगा मेन प्रोडक्ट। इन्होंने दिया है, जल्दी जल्दी उत्तर लिखो आप। CH3 CH CH2 CH3 और यहां जुड़ा हुआ है Br, और इसके ऊपर रिएक्शन इन्होंने कराया है एल्कोहलिक KOH का, एल्कोहलिक KOH का रिएक्शन कराया है, तो मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो आपको बताओ जल्दी से, आप अपना उत्तर लिखो पहले, फिर बताता हूं मैं क्या बनेगा मेन प्रोडक्ट। आपको पता है कि यहां लगेगा सेट जेफ का नियम। किसका नियम लगेगा? सेट जेफ। तो सेट जेफ का नियम तो आपको सिखा रखा है। सेट जेफ ने बताया था कि आपका जो ये जो बी आर निकलेगा, बी आर नेगेटिव, इस बी आर नेगेटिव के पास से क्या निकलेगा, एच पॉजिटिव निकलेगा। इस कार्बन से निकलना चाहिए या इस कार्बन से? इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 3। इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 2। तो वहां से निकलना चाहिए जहां हाइड्रोजन कम है। सबसे पहली बात तो यह ध्यान रखनी है कि जब भी एल्कोहलिक KOH का आप रिएक्शन कराते हो तो निकलता है HX। क्या निकलता है? HX, यानी इसे कहते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। इस रिएक्शन को हम डीहाइड्रो, क्या कहते हैं? डीहाइड्रो हेलोजिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, या हिंदी में आप कह सकते हो वी हाइड्रो हेलोजनीकरण भी आप इस रिएक्शन को कह सकते हो। इस रिएक्शन में क्या होता है? इस रिएक्शन में निकलता है HX। क्या निकलता है? HX निकलता है, और साथ साथ लगेगा सेट जेफ रूल। तो यहां से तो H निकलेगा, यहां से Br, तो यहाँ हमारा जो निकलेगा वो माइनस का हम लिखेंगे HBr निकलेगा, और HBr निकलने से इस कार्बन और इस कार्बन के बीच आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो यहाँ तो होगा CH3, और यहाँ सिंगल बॉन्ड CH, ये बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड,
और यहाँ CH3, इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। अब यदि आप इस प्रोडक्ट को देखते हो 1 2 3 4, तो दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड है और चार कार्बन है, तो इसका सही नाम तो ब्यूट टू इन होगा, पर इसे आप 2-ब्यूटीन भी कह सकते हो, ठीक है, या ब्यूटीन टू भी कह सकते हो, ब्यूटीन टू भी कह सकते हो। तो बताओ सही उत्तर क्या होगा, क्या होगा? ब्यूटीन। क्या होगा? ब्यूटीन। देखो इन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं, प्रोपीन। भाई प्रोपीन 3 कार्बन वाला डबल बॉन्ड तो नहीं बना कहीं भी। ऑप्शन बी दे रखा है ब्यूटीन। भाई ब्यूटीन तो एक ही दे रखा है इन्होंने, सही नाम तो ब्यूट टू इन होता है इसका, पर इन्होंने ब्यूटीन का केवल एक ही ऑप्शन दिया है, तीसरा दिया है ब्यूटेन। ब्यूटेन तो तब कहते ही थे जब सारे सिंगल बॉन्ड होते, और चौथा ऑप्शन इन्होंने दिया है ब्यूटाइन वन। ब्यूटाइन तो ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन को कहेंगे हम, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है कहीं भी, यहाँ तो डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड भी दूसरे नंबर पे है, तो सही ऑप्शन इन्हें लिखना चाहिए था ब्यूट टू इन, पर इन्होंने ब्यूट टू इन नहीं लिखा, तो ब्यूटीन तो है ही हमारे पास, तो इसलिए पहले का सही उत्तर क्या होगा? बी। तो यहाँ लिखते हैं पहले का सही उत्तर क्या होगा? बी होगा। अब देख लो आपने क्या उत्तर लिखा है। इसमें दो बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि जब एल्कोहलिक KOH के साथ आप गर्म करते हो तो HX निकलता है। क्या निकलता है? HX माने हाइड्रोजन हैलाइड निकलता है, इसलिए इस अभिक्रिया को कहते हैं वी हाइड्रोहेलोजनीकरण या डी हाइड्रोहेलोजिनेशन। और इसमें ध्यान रखनी होती है दूसरी बात कि ये सैट जैफ का नियम यहाँ लगेगा, क्योंकि जहां से आप Br- को निकाल रहे हो उसके बराबर वाले दोनों कार्बन एक जैसे नहीं है, एक कार्बन और इस कार्बन में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? तो प्राइमरी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन है। इट कंटेन्स 3 हाइड्रोजन एटम बट इट कंटेन्स ओनली 2 हाइड्रोजन एटम। इसके पास तो 3 हाइड्रोजन परमाणु है, इसके पास तो 2 हाइड्रोजन परमाणु है, तो ये तो अंतर है दोनों में। तो इसलिए जब इस तरह के कार्बन हो अलग अलग तरह के, तो वहां सेट जैफ रूल को फॉलो करना पड़ता है। अब देखो कुछ बच्चे इस रिएक्शन में HX नहीं निकालते हैं, HBr यहाँ नहीं निकालेंगे, वे क्या करेंगे? वे निकालेंगे KBr, एक तो निकालेंगे KBr और KBr के साथ में HOH H2O निकाल लेंगे। तो यदि आप रिएक्शन को ऐसे साइड प्रोडक्ट दो निकाल के मेन प्रोडक्ट ये बनाते हो, तब भी रिएक्शन आपकी सही है। आप इस रिएक्शन में ये दो साइड प्रोडक्ट बनाते हो और फिर इस मेन प्रोडक्ट को दिखाते हो, बिल्कुल सही है रिएक्शन। और या फिर सॉल्ट में आप लिख सकते हो कि यहां से एच, यहां से बी आर, एच बी आर निकल गया तो भी यही बनेगा, मेन प्रोडक्ट तो यही बनेगा, मेन प्रोडक्ट यही बनेगा। साइड प्रोडक्ट ये भी दिखा सकते हो आप, ज्यादातर यही दिखाते हैं बच्चे, जो ज्यादा सही माने जाते हैं, आप इसे भी दिखा सकते हो। ठीक है बेटे, अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर। आपकी स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन देखो जरा। दूसरा क्वेश्चन है, क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में अमोनिया से कराने पर प्राप्त होता है। क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में अमोनिया से करानी है। दूसरा क्वेश्चन लिखो आप जल्दी जल्दी आंसर। क्लोरोबेंजीन, देखो यही तो होता है क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन बनाया मैंने, ये बन गया क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में अमोनिया से करानी है। अमोनिया से इसका रिएक्शन कराना है। देखो अमोनिया से मैं इसका रिएक्शन करा रहा हूं और क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में, ये लिख दिया क्यूप्रस ऑक्साइड। तो सीधी सी बात है, आपको पता है यहां से Cl और यहां से H निकल जाएगा, ये निकलेगा HCl और मेन प्रोडक्ट आएगा बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर कौन जुड़ा हुआ आएगा? यहाँ कौन जुड़ा हुआ आएगा? NH2। जब बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 होता है तो इसे सारी दुनिया कहती है एनिलीन। क्या कहती है? एनिलीन। तो ये बना एनिलीन। अब बताओ आपका उत्तर कौन सा सही होगा दूसरे का? दूसरे में कौन से में एनिलीन है बताओ? बी में है ना, तो दूसरे का सही उत्तर क्या होगा? बी होगा। दूसरे का सही उत्तर क्या होगा? बी होगा। अब आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो जरा जल्दी से। एल्कोहलीय KOH की उपस्थिति में किस मिश्रण के साथ कार्बाइल एमीन परीक्षण किया जाता है? कार्बाइल एमीन परीक्षण कब किया जाता है? ऑप्शन ए क्लोरोफॉर्म और रजत चूर्ण के साथ। भाई रजत चूर्ण तो कभी भी नहीं होता है कार्बाइल एमीन रिएक्शन। त्रि हेलोजनीकृत मेथेन और एक प्राथमिक एमीन के साथ, हाँ ऐसा हो सकता है। सी एक एल्काइल हैलाइड और एक प्राथमिक एमीन के साथ। एल्काइल हैलाइड और प्राथमिक एमीन, एल्काइल हैलाइड तो रिएक्शन में हिस्सा लेता ही नहीं है,
यदि आप इस रिएक्शन की बात करते हो, कार्बाइल एमीन रिएक्शन की, डी दे रखा है एक एल्काइल साइनाइड और एक प्राथमिक एमीन के साथ। बताओ आपके हिसाब से क्या उत्तर होगा तीसरे का। कार्बाइल एमीन रिएक्शन में किन किन रिएक्टेंट्स की आपको जरूरत पड़ती है? देखो, कार्बाइल एमीन रिएक्शन ऐसी होती है कि एक तो होना चाहिए RNH2। क्या होना चाहिए? RNH2, जिसे आप कहते हो प्राइमरी एमीन। क्या होना चाहिए? प्राइमरी एमीन। और एक होना चाहिए CHX3, यानी ट्राई हेलोजन कंपाउंड, जिसमें तीन हेलोजन हो। ठीक है, इसे कह सकते हो आप ट्राई हेलोजन। ठीक है, ट्राई हेलोजन कंपाउंड होना चाहिए, ट्राई हेलोजन एल्केन आप इसे कह सकते हो, ऐसा एल्केन जिसमें तीन हेलोजन अटैच हो, और साथ में होना चाहिए, आपको बताया, या तो NaOH हो या तो KOH हो। जैसे मान लो KOH है आपके पास, KOH है, तो KOH के भी कितने अणु मैंने आपको सिखा रखे हैं? तीन अणु होने चाहिए, 3 मोल होने चाहिए। तो क्या होता है कि यहां से तो निकलता है ये 3K और 3X, तीन तो निकल जाते हैं KX, तीन तो निकल जाते हैं KX, और H गिनो, 1, 2, 3, 4 और 2, 6। कितने H हुए? 6 हुए H। और जब 6 H हुए तो 6H का तो आपको पता है 3H2O। 6H के कारण कितने H2O निकलेंगे? 3H2O। ऑक्सीजन देखो कितने थे यहाँ, 1, 2, कितने थे? 2 और 1, 3। ये 3 ऑक्सीजन यहाँ यूज हो गए। अब हमारे पास क्या बचा है? यहाँ तो बचा है N और यहाँ बचा है C, तो यहाँ हमारे पास मेन प्रोडक्ट आ जाता है RNC। ये होता है कार्बाइल एमीन रिएक्शन, इसका नाम होता है कार्बाइल एमीन रिएक्शन। आर बचा, एन बचा और सी बचा। ये आर बचा, एन बचा और सी बचा, बाकी सब लग गए के एक्स निकालने में। तो हमें क्या क्या चीज चाहिए के ओ एच के साथ? एक तो प्राइमरी एमीन चाहिए और एक चाहिए ट्राई हेलोजन या ट्राई हेलो एल्केन। अब देखो कौन सा उत्तर सही है, कौन सा उत्तर सही है बताओ, जल्दी जल्दी लिखो। ऑप्शन बी देखो, त्रि हेलोजनीकृत मेथेन और एक प्राथमिक एमीन। ठीक है, तो तीसरे का सही उत्तर क्या होगा? बी होगा। तीसरे का भी सही उत्तर क्या है? बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, फोर्थ क्वेश्चन देखो आप जल्दी से, फोर्थ क्वेश्चन पढ़ो और उत्तर लिखो जल्दी जल्दी। फोर्थ क्वेश्चन पढ़ो और अपने उत्तर लिखो जल्दी जल्दी, क्या उत्तर आएगा फोर्थ का? पढ़ रहे ना बेटे सब? जल्दी जल्दी पढ़ो फोर्थ क्वेश्चन और अपने उत्तर लिखो चैट बॉक्स में, देखते हैं कितने बच्चे सही लिखते हैं उत्तर। आपकी तैयारी कैसी चल रही है देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, आयोडोफॉर्म परीक्षण कौन सा यौगिक नहीं देता है? भाई आयोडोफॉर्म टेस्ट यदि आपको देखना है ना, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट की एक शर्त है। शर्त क्या है? शर्त यह है कि अल्फा मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, अल्फा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। यदि किसी एल्डिहाइड या किसी कीटोन या किसी अल्कोहल के पास अल्फा मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो वो ही क्या दे पाता है? वो ही दे पाता है आयोडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, देखो चलो। अच्छा, ऑप्शन ए देखते हैं क्या दिया है। ऑप्शन ए दिया है इथेनॉल, यानी 2 कार्बन वाला एल्कोहल। ये देखो 2 कार्बन वाला एल्कोहल बना दिया। अब ध्यान से देखना जरा, यहाँ क्या है? OH इस कार्बन पर अटैच है, इस कार्बन के जस्ट बराबर वाले कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन। तो अल्फा पोजीशन पर CH3 होना चाहिए, लिखा हुआ है अल्फा मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। अल्फा पोजीशन मुख्य क्रियात्मक समूह के जस्ट बराबर वाला जो कार्बन होता है उसे कहते हैं अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन पर यदि CH3 ग्रुप यानी मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, बिल्कुल पक्की बात है। ऑप्शन बी दिया है बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन देखो कैसा होता है, बेंजोफिनोन ऐसा होता है, ये होता है बेंजोफिनोन, जिसे आप डाइफिनाइल कीटोन भी कह सकते हो। बताओ, ये तो मुख्य कार्बन हुआ, मुख्य क्रियात्मक समूह का कार्बन। इसके जस्ट बराबर वाला कार्बन यही तो है, इसके जस्ट बराबर वाला कार्बन यही तो है ना। तो यहाँ CH3 है,
ना तो यहाँ CH3 है, अल्फा पोजीशन पर CH3 नहीं है, इसलिए ये आयोडोफोन टेस्ट नहीं देगा बेंजोफिनोल। ऑप्शन सी दे रखा है एथेनल, ऑप्शन सी दे रखा है एथेनल, यानी दो कार्बन है और CHO ग्रुप है, एल्केनल, एल्डिहाइड तो होता है, तो ये तो मुख्य कार्बन, इसके जस्ट बराबर वाला कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है, देखो अल्फा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो ऐसा कंपाउंड जरूर देगा एडोफोन टेस्ट, ये आयडोफोन टेस्ट देगा पक्की बात है। और फिर दिया है इन्होंने डी में दिया है एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन ऐसा होता है, देखो ये होता है एसीटोफिनोन, तो ये तो मुख्य कार्बन हुआ, इस कार्बन के जस्ट बराबर में ये अल्फा है, यहाँ तो भाई मिथाइल ग्रुप नहीं है, पर यहाँ ये वाला भी तो अल्फा कार्बन है, इसके पास तो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, और यदि मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो ये भी आपका आयडोफोन टेस्ट देगा। बस इस बात का ध्यान रखना है, पेपर में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो थोड़े टेक्निकल हों, आपको ध्यान रखना है कि आयडोफॉर्म टेस्ट केवल ऐसे कंपाउंड देते हैं जिनके पास अल्फा पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो, अल्फा पोजीशन पर क्या हो, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो, तो इनमें से केवल कौन सा है, बी, कौन सा है, बी, तो बी ऑप्शन ऐसा है जिसके अल्फा पोजीशन पर CH3 ग्रुप अर्थात मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, इसलिए फोर्थ का उत्तर भी क्या होगा, बी होगा, फोर्थ का भी क्या होगा, बी होगा। अब आते हैं पांचवे क्वेश्चन पर, आपकी स्क्रीन पर पांचवा क्वेश्चन देखो जरा, निम्नलिखित अभिक्रिया C6H6+Cl2 सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इज इक्वल टू उत्पाद में उत्पाद है, क्या है, C6H5Cl, फोर्थ हो C6H4Cl2, C6H6Cl6 और पैरा C6H4Cl2, इन चारों में से क्या बनेगा यदि सनलाइट की प्रेजेंस में आप क्लोरीन का रिएक्शन करा दोगे बेंजीन के ऊपर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लगाओ आप उत्तर, लगाओ जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में उत्तर लगाओ जल्दी जल्दी, ये आपका बेंजीन है, ये बेंजीन है, इस बेंजीन के ऊपर आपको रिएक्शन कराना है क्लोरीन का और सनलाइट की प्रेजेंस में कराना है, तो यदि सनलाइट की प्रेजेंस में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आप रिएक्शन कराओगे तो आपको बताया था कि ये बॉन्ड जो है ये भी टूट जाएगा, एक सीएल इधर एक सीएल इधर, ये बॉन्ड टूट जाएगा एक सीएल इधर एक सीएल इधर, ये बॉन्ड टूट जाएगा एक सीएल इधर एक सीएल इधर, तो क्या होगा, कुछ इस तरह का प्रोडक्ट आपको मिलेगा, यहाँ भी सीएल 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 और यहाँ भी सीएल, मतलब ये तो था C6H6 और ये बन गया C6H6Cl6, ये जो कंपाउंड बना है इस कंपाउंड को CCC6B कहते हैं, क्या कहते हैं, CCC6 कहते हैं, इसे ध्यान रखना है आपको, कभी एग्जाम में CCC6 के नाम से आ जाए, इसका नाम BHCB है, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, बेंजीन हेक्सा माने 6, क्लोराइड माने Cl, इसका नाम लिंडेन भी है, क्या है, लिंडेन, लिंडेन भी कहते हैं इसे, लिंडेन, ठीक है ध्यान रखना है, और इसका नाम गैमोक्सीन भी है, इसे गैमोक्सीन भी कहते हैं, गैमोक्सीन पता है ना आप डालते हो, जो खेती करने वाले बच्चे हैं उन्हें पता है कि लिंडेन क्या होता है, लिंडेन नहीं पता होगा पर गैमोक्सीन तो पता होगा, और बेंजीन हेक्सा क्लोराइड भी है, क्या है, इसके ये सारे नाम ध्यान रखने हैं, CCC6 भी है, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड भी है, लिंडेन भी है, गैमोक्सीन भी है, और C6H6Cl6 भी है, C6H6Cl6 के नाम से भी आता है, इसका अणु सूत्र है ना ये, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, निम्नलिखित अभिक्रिया में प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट बनेगा लिंडेन बनेगा, बस देखो कहाँ है C6H6Cl6 कौन से नंबर पे दे रखा है, सी पर दे रखा है, तो पांचवे का सही उत्तर होगा सी, पांचवे का सही उत्तर क्या होगा, सी होगा, तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं उन्हीं का हम डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है बेटे, अब आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अच्छा पहले फिर मुझे बताना 5 में से कितने सही हुए हैं, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है, तो बेटे आपको अब क्या करना है कि चैट बॉक्स से निकल के आपको कमेंट बॉक्स में जाना है और मुझे बताना है कि आपके 5 में से कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही हुए हैं, ठीक है, और कल को हम लेकर आएंगे अगले चैप्टर के MCQs,
जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है बेटे, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।